नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको टाइगर T8 हाई क्लास के डेड सेट टॉप बॉक्स को रिपेयर करना सिखाऊंगा। तो ये जो है टाइगर T8 हाई क्लास का मेरे पास सेट टॉप बॉक्स आया था, इंदौर से रामेश्वर थापा जी ने मेरे पास रिपेयरिंग के लिए भेजा था, और ये पूरा का पूरा डेड कंडीशन में था, बंद, यानी कि हार्डवेयर फॉल्ट था इसमें। तो दोस्तों, इसकी दो जगह से जो है बारीक ICI फूटी हुई थी, तो हमने जो है इसमें ये पावर सप्लाई मॉड्यूल अलग से लगाए दो, एक जगह से तो जो है फॉल्ट था और एक जगह जो है IC जली हुई थी। तो आप ये देख सकते हो, ये पावर सप्लाई मॉड्यूल एक यहाँ से जली हुई थी और एक इधर कहीं से फॉल्ट था। तो एक हमने यहाँ पर पावर सप्लाई मॉड्यूल लगाया और एक यहाँ पे, और इसकी सप्लाई बनाई और हार्डवेयर जो फॉल्ट था उसको इस तरीके से हमने ठीक किया। और बाकी दोस्तों, फिर इसमें सॉफ्टवेयर कैसे करते हैं ये भी आपको मैं डिटेल में बता देता हूँ। तो इसके पीछे जो है RS-232 का जो है पोर्ट रहता है, अगर आपके बॉक्स में जो है खाली सॉफ्टवेयर की समस्या हो तो ये RS-232 केबल से आप सॉफ्टवेयर कर सकते हो। तो ये देखिए, ये पावर सप्लाई मॉड्यूल मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगाया था। तो बाकी दोस्तों, अगर आपका खाली सॉफ्टवेयर करने से अगर डेड हुआ है तो उसको आसानी से आप कर सकते हो रिपेयर। आपको चाहिए एक USB कन्वर्टर और एक RS-232 केबल। RS-232 केबल को आपको यहाँ पे बैक साइड में लगा देना है, ये जैसे कि मैंने लगाया है यहाँ पे। और उसके बाद USB कन्वर्टर के मुंह को जो है आपके कंप्यूटर में लगा देना है, और उसके बाद ये न्यू अली अपग्रेड वाला सॉफ्टवेयर आप नेट से डाउनलोड कर लेना, और उसके बाद यहाँ पे ओपन में जाना और जो भी आपको इसमें सॉफ्टवेयर डालना हो वो सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। एक बार फिर से आपको बताता हूँ, ये न्यू अली अपग्रेड वाला, ये आप गूगल पे सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। और आपको जाना है यहाँ पे ओपन में, ओपन पे क्लिक करो, जहाँ पे भी आपने सॉफ्टवेयर रखा है उस पे क्लिक करो, ओपन करो। उसके बाद में आपको स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना है, और उससे पहले आपको कॉम पोर्ट जो है सिलेक्ट कर लेना है। कॉम पोर्ट कैसे देखते हैं, माई कंप्यूटर पे जाना है, लेफ्ट दबाना है, प्रॉपर्टी पे जाना है, उसके बाद डिवाइस मैनेजर पे जाना है, उसके बाद में सबसे नीचे जो पोर्ट्स नाम के ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है, एरो पे। यहाँ पे ये बता देगा कि कॉम पोर्ट 3 में आपकी केबल लगी हुई है RS-232 की, तो इसको कट कर देना है और यहाँ पे 3 सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में स्टार्ट प्रेस करना है, तो जैसे ही आप स्टार्ट प्रेस करोगे आपको उसके बाद जो है सेट टॉप बॉक्स को पावर ऑन कर देना है। तो यहाँ से मैं पावर ऑन कर देता हूँ, जैसे ही ऑन करोगे सॉफ्टवेयर अपडेटिंग की प्रोसेस यहाँ पर हो जाएगी, सेंडिंग अपडेट इन्फॉर्मेशन सक्सेस आ गया। यहाँ पे दोस्तों अब ये कुछ प्रोसेस चलेगी, उल्टी गिनती चलेगी, 98, 97, 96, 95, 94 ऐसे करते करते यहाँ पर लगभग 3 से 4 बार जो है रीड राइट इरेस और राइट का जो है प्रोसेस चलेगी। तो इसमें दोस्तों थोड़ा सा आधे घंटे का समय लगेगा, अगर आपके पास आधे घंटे का समय हो तो ही आप जो है केबल से इसको रिकवर करें या सॉफ्टवेयर करें, वरना आपको अगर जल्दी हो तो प्रोग्रामर से कर सकते हो। तो यहाँ पे भी दोस्तों ये देख सकते हो प्रोसेस चालू है। और दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है, इस कारण मैं थोड़ा सा बीच का पार्ट जो है कट कर देता हूँ, बाकी आप ये देख सकते हो थोड़ा सा ये धीरे से टाइम लगाता है सॉफ्टवेयर अपडेट होने में केबल के थ्रू। तो ये उल्टी गिनती चलेगी दोस्तों कम से कम 3 से 4 बार, तो आपको जो है आधे घंटे तक रुकना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो है गिनती ख़त्म हो चुकी है, अब ये इरेस करेगा और ये थोड़ा सा जल्दी इरेस कर लेगा।
अब देख सकते हो रेस में ये उल्टी गिनती फिर से चालू हो गई और अब ये राइट कर रहा है। तो दोस्तों ये जो है लगभग कंप्लीट हो गया हमारा काम, राइट इरेज़, और ये सक्सेसफुल हो गया हमारा काम बूट। और अब ये सेट टॉप बॉक्स हमारा चालू हो गया और यहाँ पे दोस्तों ये ख़त्म हो गई प्रोसेस, यानी कि हमारा सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली कंप्यूटर से चढ़ गया है। तो दोस्तों अगर आपका टाइगर T8 हाई क्लास अगर सॉफ्टवेयर की वजह से डेड हुआ है तो आप उसको केबल की मदद से जो है रिकवर कर सकते हो, जैसा मैंने मेथड बताया उस तरीके से। और ये हमारा बॉक्स चालू हो चुका है। बाकी दोस्तों इस बॉक्स में हार्डवेयर फॉल्ट थी तो पहले हमने उस हार्डवेयर फॉल्ट को ठीक किया, उसके बाद सॉफ्टवेयर किया। ठीक है दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।